हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। LIC ने एक बिल्कुल ही नया प्लान अपना लॉन्च किया है, जिसका टेबल नंबर है 872 और नाम है जीवन धारा 2। ये दोस्तों एक गारंटीड एन्युटी प्लान है, कहने का मतलब एक पेंशन प्लान है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो है कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैक्सिमम दोस्तों जो पेंशन प्लान होते हैं उनमें आपको सिंगल प्रीमियम ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है। और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही। अब दोस्तों गारंटीड जो आपकी एन्युटी होगी, अगर आप चाहें तो पॉलिसी लेते टाइम ही शुरू करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डेफरमेंट पीरियड भी चुन सकते हैं। ये जो प्लान है दोस्तों आपको सिंगल लाइफ के लिए भी मिल जाएगा और जॉइंट लाइफ एन्युटी के लिए भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें अपने लिए और स्पाउस के लिए जॉइंट लाइफ ऑप्शन भी ले सकते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे एन्युइटी ऑप्शंस की। तो टोटल 11 ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इस प्लान में, हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप कोई बंदा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन रेगुलर ऑप्शन चुनता है तो उसमें उनको एन्युइटी मिल जाएगी सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। सिंगल लाइफ में भी 7 ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 लाइफ एन्युइटी फॉर सिंगल लाइफ, कहने का मतलब सिंगल लाइफ ऑप्शन लिया है तो इसमें उनकी जो पेंशन होगी उनको मिलती रहेगी लाइफ टाइम, सिर्फ और सिर्फ जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है दोस्तों कि जो बंदा अपने लिए ये प्लान लेगा उनको लाइफ टाइम एन्युइटी तो मिलती रहेगी, लेकिन डेथ होने पे जो उन्होंने प्रीमियम पे किया होगा वो उनको नॉमिनियों को भी दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि जो बंदे ने ये प्लान अपने लिए लिया है उनकी ये जब 75 साल हो जाएगी उसके बाद जो 50% उन्होंने प्रीमियम पे किया था वो वापस दे दिया जाएगा और लाइफ टाइम पेंशन तो चल ही रही है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि लाइफ टाइम पेंशन तो सिंगल लाइफ वाले बंदे की चलती रहेगी, लेकिन 75 साल एज होने के बाद पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो उनको वापस दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 में क्या है दोस्तों कि जो बंदा ये प्लान लेगा उसकी लाइफ टाइम एन्युइटी तो चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही उनकी एज 80 साल हो जाएगी उसके बाद 50% जो प्रीमियम है वो वापस कर दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर 6 में 80 साल लाइफ होने के बाद पूरा का पूरा 100% प्रीमियम वापस दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 में क्या है कि जो बंदा ये प्लान ले रहा है उसकी एज जब 76 साल हो जाएगी तब से लेके उनकी एज 95 साल होने तक जो भी उन्होंने प्रीमियम पे किया था उसका 5-5% उनको मिलता रहेगा, 76 साल से लेके उनकी एज 95 साल होने तक। और दोस्तों रेगुलर प्रीमियम में अगर जॉइंट लाइफ एन्युइटी की बात करें तो 2 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन नंबर 8, इसमें क्या है कि लाइफ टाइम एन्युइटी मिलती रहेगी दोनों लोगों को, पहले एक बंदे को मिलेगी उसकी डेथ हो जाएगी तो दूसरे को मिलेगी, दूसरे की डेथ हो जाएगी तो प्लान बंद हो जाएगा। इसी में ऑप्शन नंबर 9 है कि दोस्तों पहले को तो पेंशन मिलती रहेगी, पहले की डेथ होगी तो दूसरे को पेंशन मिलती रहेगी, जब दूसरे को भी डेथ हो जाएगी तो जितना प्रीमियम उन्होंने पे किया था सारा का सारा उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर कोई सिंगल प्रीमियम पे करता है इसमें भी उनको सिंगल लाइफ एन्युइटी मिल जाती है और जॉइंट लाइफ एन्युइटी मिल जाती है, कहने का मतलब कोई बंदा सिंगल लाइफ अपने लिए ले सकता है, जॉइंट लाइफ अपने स्पाउस के साथ भी ले सकता है। इसमें भी 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर 10 और ऑप्शन नंबर 11। इसमें क्या है दोस्तों आपको दोनों में रिटर्न ऑफ परचेज का ऑप्शन मिल जाता है, चाहे कोई सिंगल लाइफ ले चाहे कोई जॉइंट लाइफ ले, जब डेथ हो जाएगी तो सारा का सारा प्रीमियम उनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर कोई सिंगल लाइफ लेता है तो उसकी डेथ होने पर नॉमिनी को दे दिया जाएगा, अगर कोई जॉइंट लाइफ लेता है तो पहले एक बंदे की डेथ हो जाए फिर दूसरे की पेंशन शुरू हो जाएगी, दूसरे की डेथ हो जाएगी उसके बाद सारा का सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब दोस्तों हम रेगुलर प्रीमियम के लिए कम से कम सालाना कितना प्रीमियम पे करना होगा वो देख लेते हैं। रेगुलर प्रीमियम में दोस्तों 9 ऑप्शंस एन्युइटी के आते हैं हमारे सामने, 9 के 9 हमने लिखे हुए हैं। हम एग्जांपल के साथ आपको एक चीज़ बताते हैं। डेफरमेंट पीरियड दोस्तों रेगुलर प्रीमियम में आपको 5 साल से लेके 15 साल तक का मिल जाता है। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है जो डेफरमेंट पीरियड चुनता है 10 साल से लेके 15 साल के बीच में, ठीक है, और ऑप्शन नंबर लेता है मान लीजिए 1, अगर उसकी एज 55 साल से कम है तो सालाना उसको कम से कम 16,000 रुपये प्रीमियम पे करना होगा। अगर उसकी एज 55 साल से ज़्यादा है तो उसको कम से कम 11,000 रुपये प्रीमियम पे करना होगा, कम से कम, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब दोस्तों सिंगल प्रीमियम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको सालाना कम से कम कितना प्रीमियम देना होगा उसका भी चार्ट आपके सामने है। सिंगल प्रीमियम में आपको 1 साल से लेके 15 साल तक का डेफरमेंट पीरियड देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की दोस्तों बात करें तो कम से कम एंट्री एज
20 साल रखी गई है। मैक्सिमम एंट्री है दोस्तों, सारे के सारे ऑप्शंस के हिसाब से अलग अलग है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मिनिमम वेस्टिंग एज और मैक्सिमम वेस्टिंग एज, ये भी दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस का अलग अलग है। डिटेल में आपके सामने चार्ट आप देख सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड हमने आपको बता दिया। प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको रेगुलर प्रीमियम का मिल जाता है और सिंगल प्रीमियम का देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट मोड आप हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और सिंगल प्रीमियम कोई भी चुन सकते हैं पे करने के लिए। मंथली मोड चुनोगे तो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट लग जाएगा और हर महीने आपके अकाउंट से पैसे इंस्टॉलमेंट के कटते रहेंगे ऑटोमेटिक। मोड ऑफ एन्युइटी पेमेंट, कहने का मतलब आपको पेंशन कैसे चाहिए, आप चाहे तो सालाना ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं या फिर मंथली भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि कम से कम आपको पेंशन कितनी लेनी होगी। अगर आप मंथली मोड चुने तो कम से कम 1000 रुपये पेंशन लेनी होगी। क्वार्टरली मोड चुनोगे तो कम से कम 3000 रुपये पेंशन लेनी होगी। हाफ ईयरली मोड में कम से कम 6000 रुपये पेंशन लेनी होगी और सालाना मोड में कम से कम 12000 रुपये पेंशन लेनी होगी। इस प्लान में दोस्तों एक और अच्छी चीज़ है कि आपको टॉपअप एन्युइटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहें तो अपने डेफरमेंट पीरियड के दौरान एडिशनल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं। बकायदा आपकी जो पॉलिसी है वो चल रही होनी चाहिए और जो आपका हर एक टॉपअप होगा उसको ट्रीट किया जाएगा इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम। कहने का मतलब कि हर एक टॉपअप को इंडिविजुअली सिंगल प्रीमियम की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर बेस पॉलिसी आप सरेंडर करेंगे तो ये टॉपअप भी साथ में सरेंडर हो जाएंगे। लिक्विडिटी का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों आपको यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छा है कि अगर आप कोई भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन चुनते हैं, ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको प्रीमियम वापस मिलना है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2, 9, 10, 11 में मिल जाएगा आपको। इसमें अगर आप चाहें तो आपकी जब पेंशन शुरू हो जाए उसके 5 साल बाद आपने जो भी प्रीमियम पे किया था उसका कुछ पोर्शन आप ले सकते हैं। जब आप ये पोर्शन ले लोगे उसके बाद आपकी एन्युइटी जो पेंशन होगी और जो बाकी बेनिफिट्स होंगे वो भी उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। लिक्विडिटी फैसिलिटी दोस्तों टॉपअप पेमेंट्स पे अप्लीकेबल नहीं होगी। आप इस पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिक्विडिटी ऑप्शन ले सकते हैं और आपने जो भी प्रीमियम पे किए हैं उसके 60% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको एडवांस एन्युइटी ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब ये है, ये आपके रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन नंबर 9 और 11 के तहत आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए पहले बंदे की डेथ हो जाती है उसके बाद दूसरे बंदे की पेंशन शुरू हो जाएगी, ये तो हमें भी पता है, लेकिन अगर दूसरा बंदा चाहे तो पहले की डेथ होने के बाद जब उनकी पेंशन शुरू होने वाली है तो वो अगले 5 साल की पेंशन एक साथ एडवांस में भी ले सकते हैं। ये दोस्तों अगर आपको ऑप्शन लेना है तो डेफरमेंट पीरियड ख़त्म होने के बाद ले सकते हैं और पहले बंदे की जब डेथ हो जाए, डेथ होने के 6 महीने के अंदर अंदर आप ले सकते हैं। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम के केस में कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम के केस में आप 2 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। लोन लेना चाहें तो आपको आपकी सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन भी मिल जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो जाती है तो आपने जो भी लास्ट अनपेड आपका प्रीमियम होगा, जो भी आपने लास्ट प्रीमियम पे नहीं किया होगा, वहाँ से 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं, फिर से चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।